बड़वाई से हमारे संवाददाता आनंद राठौर की रिपोर्ट। पत्नी के चरित्र पर शंका के चलते पति ने की दर्दनाक हत्या। 4 साल की बेटी अक्षरा ने देखा अपनी मां की मौत का मंजर। साले के मोबाइल पर जीजा ने भेजा बहन की मौत का दृश्य। CIMF कैंप्स में रहने वाले एक परिवार ने पति ने अपनी ही पत्नी को कैंची से बार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पति ने खुद अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस हादसे की सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही SDOP मानसिंह ठाकुर और थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने मौका मुआयना किया। इसके बाद महिला का शव शासकीय अस्पताल बड़वाई PM के लिए भेजा गया। पति द्वारा पत्नी की हत्या के करने के बाद है यह मामला। CISF के विगत कई माह से आरोपी अनिल फुलझड़े अपनी पत्नी वैशाली फुलझड़े उम्र 26 वर्ष सहित अपनी बेटी अक्षरा उम्र 4 वर्ष के साथ रह रहा था। इसी दौरान करीब 2 माह पहले अनिल अहमदाबाद ड्यूटी पर गया था, जहां से छुट्टी के दौरान गुरुवार सुबह अपने घर बड़वाए आया। तभी पत्नी से कुछ अज्ञात कारणों से झड़प हो गई, जिसके चलते अनिल ने अपनी पत्नी वैशाली पर कैंची से वार कर दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी अनिल ने स्वयं ही अपने अधिकारियों को इस हादसे की सूचना दी और खुद पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में शशिकांत चौरसिया ने बताया कि पति द्वारा हमारे जवाई ने कर ले 8 बजे बाद। अच्छा, आपको फोन आया? 8 बजे हमको फोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो जाएगा, सप्लाई किए व्हाट्सएप में डाला, फिर हम घर से निकले, फिर गाड़ी करके। व्हाट्सएप पे क्या डाला आपको? तो फोटो डाला था मर्डर का। अच्छा, एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर जा करके देखा तो जो आरोपी है अनिल पिता प्रवीण फुलझड़े, जो कि अभी अहमदाबाद में CISF में तैनात है, वो आज छुट्टी लेकर के सुबह सुबह घर पहुंचा था। और इसकी पत्नी जो मृतिका है वैशाली फुलझड़े, उससे उसका कुछ विवाद हुआ। पहले से विवाद इनका चल रहा है काफ़ी दिन से, और विवाद के आगे बढ़ने पर उसने घर पे रखी जो कैंची है, धारदार कैंची, उससे उसको गंभीर चोटें पहुंचा करके वहां घर पर ही CISF कैंपस में हत्या कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नहीम खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास 10,002 और किस्त ले जाओ। सुल्तानपुर नगर में इन दिनों प्रधानमंत्री आवासीय गरीब हितग्राहियों को एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। सुल्तानपुर के नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास को पलीता लगा रहे हैं। उनके ही शासकीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री आवास को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। इस आवास योजना के मैं हितग्राही से 10,000 रुपये की मांग की जा रही। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सुल्तानपुर के ग्राम टोहरिया में एक गरीब हितग्राही के खाते में पहली किस्त डाल दी गई। जब दूसरी किस्त देने की बारी आई तो नगर परिषद ने डेली बेसिस कर योगेश शर्मा आया पंडित, उसका नाम योगेश शर्मा कहते हैं, जो तो ये आके जे पूछने लगा ये रेत किसकी है, ईंट किसकी है, गिट्टी किसकी है, शर्मिन की मेरी है, कहने की यहाँ से उठाओ, उनकी इकाई के लिए उठाऊँ। तो इसने मुझे माँ बहन की गालियाँ बकी बहुत, वो कहने के चमड़ा तेरा ये मकान नहीं बन पाएगा, तोड़वा दूंगा। फिर मैंने सर मैंने अध्यक्ष को फोन लगाया, उसके बाद में अध्यक्ष ने भी यही किया कि तू मकान नहीं बनाएगा, तोड़वा दूंगा, तेरी दूसरी किस्त भी नहीं डरने। वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन जिनके हाथों में ये योजनाएँ आ रही हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुल्तानपुर में भी ये योजना है जहाँ मकान बनने चाहिए आदिवासियों के, हरिजनों के, गरीबों के, तो अभी गरीबों के मकान नहीं बन रहे, पहले बड़े लोगों के बन रहे हैं, कर्मचारियों के बन रहे हैं, ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं और उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। जिनको जो अपात्र हैं उनको मकान का पैसा दिया जा रहा है और जो पात्र हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात यह है